दिल्ली पुलिस ने जहां कनॉट प्लेस को सील करने का फैसला किया है, वहीं मेट्रो के कुछ स्टेशन भी शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। पुलिस ने इस इलाके में पड़ने वाले बड़े होटल्स के लिए पास जारी किए हैं, जिसे देखकर कनॉट प्लेस इलाके में एंट्री मिल सकती है। दिल्ली पुलिस इस बार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास तरह की मुस्तैदी बरत रही है। देखिए रिपोर्ट। साल का आखिरी दिन और लोग छुट्टी के मूड में हैं। हम इस वक्त खड़े हैं राजपथ पर, जहां पर लोग आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर हैं जो अपना छुट्टी मना रहे हैं। साल का आखिरी दिन है और यहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लोग यहां पर आएंगे, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग्स क्या है, जो कि थोड़ी देर बाद इन्हें राजपथ को बंद कर दिया जाएगा शाम होते होते। और इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को भी मुस्तैद किया गया है। देखिए ट्रैफिक पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात हैं, जो जगह जगह पर पूरे हैं। और सबसे खास तौर से शाम के वक्त जब लोग जश्न के मूड में होंगे, सारे तरफ लोग पब हो या फिर होटल्स हो, वहाँ पर खास तौर से जो जवान है, सुरक्षा के जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के लोगों को लगाया गया है। खास तौर से जो शराब के नशे में धुत लोग जो सड़कों पर हंगामा करते हैं, उन पर भी नकेल कसने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसीलिए जो 31 दिसंबर, जो कि साल का आखिरी दिन होता है और नए साल का जो स्वागत होता है, उस जश्न में लोग जब जश्न के माहौल में रहेंगे, तो उनके जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। करण मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज 24।